वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। और मैं कांता, और मैं अभी आपको ये ना मेरे पास मुर्गा कलंगी का प्लांट है, ये आवे मैं यहाँ से दिखाती हूँ नीचे से। इस ये मेरे पास है प्लास्टिक का पोट है कि इतना, ये भी केन वगैरह होती है वो काट के लगाई हुई है मैंने, और इसी में ये मेरा कोलियस का लगा हुआ है, और एक और ये पत्थर चट्टा, और इसी में है मेरा ये मुर्गा कलंगी का। इसकी स्टेम देखो पहले आप कितनी मोटी है इसकी स्टेम, और ये ऊपर गया, ये ऐसे से यहाँ इतना लंबा हो गया है, और ये है इसका मुर्गा कलंगी के फ्लावर। इसको इंग्लिश में कॉक्सकॉम बोलते हैं, हिंदी में मुर्गा कलंगी, और इसके और भी नाम है पर मुझे याद नहीं है इसके नाम। तो इसके बीज से भी पता कैसे लगा, इसके सिर्फ बीज गिरे हुए थे ये, जैसे मैंने अब लगा दिया, और साइड में कोई अगर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं ना, ये ऐसे प्लांट लगे हुए साइड में, तो इनमें झड़ झड़ के गिर जाते, तो ये अपने आप ही लगा हुआ है, मैंने इसको लगाया नहीं है, तभी तो ये ऐसे टेढ़ा। अगर मैं इसको लगाती तो सीधा लगाती, ये अपने आप ही लगा हुआ है, ये टेढ़ा गया हुआ है। और एक और है मेरे पास येरा मुर्गा कलंगी का, ये छोटे पोट में है, ये इतनी, ये भी डब्बा था मेरे पास प्लास्टिक का, इसमें ये है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, इसके भी फ्लावर कितने अच्छे आ रहे हैं। और इसमें देखो मैंने तीन प्लांट लगाए हुए हैं, तीन है मेरे पास ये, और इसी के साथ मैंने लगाया हुआ है, और ये तो सिर्फ एक ही लगाया हुआ है, ये मुर्गा कलंगी का है। और इसमें सिर्फ है मेरे पास है मिट्टी है, और है गोबर की खाद, बस दो ही चीज़ है इसके अंदर, और कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं है। और इसमें मैं पानी बस इतना देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहे, देखो आप मिट्टी मॉइस्ट है इसकी, ना सूखी है ना ज़्यादा गीली है, बस इतना है इसका, थोड़ी गीली गीली मिट्टी रहनी चाहिए, ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं हो देनी होती, ज़्यादा पानी देने से प्लांट वैसे भी गल ही जाते हैं हमारे, तो इतना हो इनको पानी हल्का हल्का मिलता रहे, ज़्यादा नहीं। और इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी आप देखिए मिट्टी मेरी गीली है, बस गीली गीली मिट्टी है, इसमें सूखने नहीं देती, बस थोड़ा सा ही है पानी इसमें देती रहती हूँ मैं। तो अच्छा लग रहा है ना ये मुर्गा कलंगी का प्लांट, आप भी लगा सकते हैं, आप इसके बीज भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन, मेरे पास तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं हर बार इनको सर्दियों में अगस्त या सितंबर के लास्ट में इनको ना मिट्टी में डाल देती हूँ। और ये तो मैंने डाला हुआ है, ये अपने आप ही ग्रो किया है बीज झड़ के, और इसको तो मैंने मिट्टी में डाला था, तो ये यहाँ पर ना छोटे वाले पॉट में तो ये उग गया है। तो आप भी ऐसा कर सकती है, अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप परचेज कर सकती है, ऑनलाइन मिल जाते हैं, और नहीं मंगवाते ऑनलाइन नहीं मंगवाती है तो आप किसी से ले सकती हैं बीज वगैरह। तो ये एक बार आप प्लांट लगा लो तो ये हर बार आपके काम आ जाते हैं, हर बार जितनी बार भी आप सर्दियों में डालेंगे फिर वो अगली बार आ जाएंगे, फिर उससे अगली बार फिर आपके पास फिर ऐसे फ्लावर निकलेंगे, फिर हो जाएंगे। तो आप ऐसे कर कर करके इनको इकट्ठा कर सकती है, और कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये प्लांट, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और जब ये बड़े फ्लावर होंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और दूर से मैं दिखाऊंगी आपको, ये ऐसे लग रहा है दूर से, और अच्छा लग रहा है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लग रहा है ना मेरा प्लांट, ये मुर्गा कलंगी का, एक ये रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैंने दो बार बोला है आपको फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता है कई लोग ऐसे होते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, और फिर पता है क्या, जब वीडियो मेरी देखते होंगे ना तो अनसब्सक्राइब कर देते, पता नहीं कैसे लोग हैं यार, मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों के पर जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं बाद में अनसब्सक्राइब कर देते। कोई बात नहीं भाई, उनकी मर्जी है, अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा काम है आपको बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको करना है तो कर देना, नहीं करना है तो मैं तो बोल ही सकती हूँ ना, आपका हाथ कड़वा के तो करवा नहीं सकती है ना। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना यार, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।